5। अभी आ गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सवाल। हाउ इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेटेड? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है भाई? प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट भी आ जाती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आ जाती है। एक तो प्राइम कॉस्ट आएगी, ये तो बात सही है। प्राइम कॉस्ट में क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड लेस करना है या प्लस करना है? प्लस करना है, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस होना चाहिए। तो प्लस वाले दो है हमारे पास ऑप्शन। और आगे कह रहा है प्लस फैक्ट्री ओवरहेड के बाद लेस इंक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का सीन यार क्या होता है भाई? वर्क इन प्रोग्रेस का सीन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वो होता है एड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यार मुझे एक बात बताएं कि अगर वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ रहा है इसका क्या मतलब? ओपनिंग कम है और क्लोजिंग ज्यादा है, तो क्लोजिंग अगर ज्यादा होगा तो हम लेस करते हैं एंड में, तो यही करते हैं ना। ओपनिंग एड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग। तो ओपनिंग अगर है 10,000 और क्लोजिंग है 15,000, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? माइनस 5,000। तो हम क्या करेंगे, 5,000 को लेस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा डी। क्या कहते हैं?